अगर आपको अभी भी यहाँ पे बैकअप फीचर समझ में नहीं आ रहा है और अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है व्हाट इज़ बैकअप फीचर, कैसे काम करता है, इसका मेन लॉजिक क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, तो सबसे सिंपल मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप लोग पहले वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए और फिर आप समझ पाओ बैकअप फीचर के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फीचर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज का टीम बनाते हैं और इसमें रखते हैं बैकअप, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो मैच है आज का उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हो टाटा आईपीएल जो आज गुजरात और मुंबई के बीच में है, यहाँ पे क्रिएट टीम करेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल टीम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टीम अपना क्रिएट कर लेंगे। जिस खिलाड़ी को रखना होगा आप लोग इजीली रख सकते हो। यहाँ पर कैप्टन बीसी हम लोगों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर आपको सिलेक्ट करने के बाद सेव करना है और सेव करने के साथ साथ आपको एक ऑप्शन आ जाता है ऐड बैकअप टीम का। अब बैकअप टीम काम कैसे करता है, क्या इसका ज़रूरत है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। देखो बैकअप टीम का काम क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीम बना लिया, अभी लाइनअप इसका नहीं आया है तो मुझे नहीं पता है या फिर आपको भी नहीं पता है कि कौन कौन आज खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। इसमें से कुछ ऐसे दो तीन खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि नहीं खेल सकते हैं, एक खिलाड़ी कोई ऐसा हो सकता है जो कि नहीं खेल सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि आप लोग यहाँ पर बैकअप टीम ऐड करोगे। अब इसमें मैंने हार्दिक पांड्या को ऐड कर लिया, टीम डेविड को ऐड कर लिया, माधवाल को ऐड कर लिया और नूर अहमद को ऐड कर लिया। अब मैंने कर लिया इसे सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका टीम कुछ इस प्रकार से दिखता है और आपका जो बैकअप प्लेयर जो है यहाँ पे शो करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कैमरन ग्रीन नहीं खेल रहा है आज के मैच में, एक एग्जांपल के रूप में। तो कैमरन ग्रीन अगर नहीं खेलेगा तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या जो है अगर आज खेल रहा है तो कैमरन ग्रीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कैमरन ग्रीन को हार्दिक पांड्या रिप्लेस कर देगा, यानी ये कैमरन ग्रीन आ जाएगा बाहर और यहाँ पे जो हार्दिक पांड्या है वो यहाँ पे हो जाएगा इन, यानी कि हम लोगों के मैच में यहाँ पे आ जाएगा हार्दिक पांड्या। वही दूसरा प्लेयर यहाँ पे तिलक वर्मा मान लीजिए कि नहीं खेल रहा है, तो जो दूसरा प्लेयर हम लोग रखे हैं यहाँ पर टीम डेविड को, अब टीम डेविड चला जाएगा तिलक वर्मा के जगह पे। अब मान लीजिए कि टीम डेविड भी नहीं खेल रहा, तिलक वर्मा भी नहीं खेल रहा, तो यहाँ पे जो माधवाल है वो माधवाल यहाँ पे आकाश माधवाल जो है टीम तिलक वर्मा को रिप्लेस कर देगा और इनके जगह पे यहाँ बॉलिंग सेक्शन में माधवाल आ जाएगा और तिलक वर्मा यहाँ से हट जाएंगे। तो ऐसे पूरा वर्क करता है ये, उसी चीज़ के लिए कि आप लोग भूल जाते हो कभी टीम एडिट करना, लाइनअप जब आता है तो मान लीजिए आप अवेलेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, तब यहाँ पे बैकअप का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अवेलेबल हो तो आप खुद से एडिट कर सकते हो, बैकअप का कोई ज़रूरत नहीं है। और बैकअप इसीलिए लेके आया कि आप लोग बहुत सारे कंटेस्ट ज्वाइन करते थे और गलती से एडिट करना भूल जाते थे, तो आपको नुकसान ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, उसलिए बैकअप लाया गया कि चार ऐसे प्लेयर आपको ऐड करना है कि अगर ये नहीं खेलता है तो उसके बदले में वो लोग आगे खेल लेंगे और यहाँ पे आप लोग हारने से या फिर बच सकते हो। तो यही इसका मेन मोटिव है और इसी से आपको बैकअप फीचर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे लिए कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।